ऐसी गेम हैं जिन्हें शायद भूलना मुश्किल है या फिर नामुमकिन है। यस गाइस, वही गेम जिनको आपने अपने बचपन में खेला होगा या फिर शायद अभी भी खेलते होंगे, क्योंकि इन गेम को भुलाना इम्पॉसिबल है। ये वही गेम है जिन्होंने आपका बचपन क्रिएट किया, आपको एक गेमर बनाया और गेमिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे ले गए। ये वही गेम है जिनकी वजह से आपको गेमिंग का क्रेज चढ़ा और इनके साउंड ट्रैक, म्यूजिक, एनवायरमेंट को आप आज तक नहीं भूल पाए और ना भूल पाएंगे। ये गेम्स आज भी उतने ही खेले जाते हैं। मैंने इस टॉपिक पे पहले भी एक वीडियो बना रखा है जिनमें मैंने टॉप 5 गेम का नाम कवर किया था जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैंने उस लिस्ट में टॉप 5 गेम के नाम लिए थे, पर मुझे लगा कि और भी गेम्स होने चाहिए, इसलिए मैंने पार्ट 2 बनाया। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसे आप पार्ट 1 बना लीजिए और उसे आप पार्ट 2 बना लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा ताकि आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएं। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। सो जो अनफॉरगॉटेबल गेम टॉप 5 नंबर पे है, उसका नाम है फ्रीडम फाइटर्स। अगर आप लोगों ने इस गेम के बारे में नहीं सुना या इसे नहीं खेला तो इसे जरूर खेलिए, अब तो खेल ही लीजिए, क्योंकि ये गेम अपने टाइम में वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वाला गेम था। आप इसमें अपने टीममेट को रिक्रूट कर सकते थे और उन्हें ऑर्डर दे सकते थे, उन्हें डिफेंड करने के लिए कह सकते थे, अटैक करने के लिए कह सकते थे, जो अपने जमाने में काफी एंजॉयिंग और अच्छा था। जो हमने अपने टाइम में फ्रीडम फाइटर्स खेला था तो वो म्यूजिक, वो साउंड ट्रैक और वो गेम प्ले बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। जब भी कोई नया मिशन स्टार्ट होता तो हम यही देखते हैं कि कौन सा क्रू सबसे बेस्ट रहेगा और किसी भी तरह हम फ्लैग फ्लाई कर दें। बस जैसे हमने फ्लैग फ्लाई किया, हम खुश हो जाया करते थे और सोचते थे चलो ये तो मिशन हो गया। ये गेम अपने जमाने में लोगों का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट गेम रहा है, फ्रीडम फाइटर्स। मैं आप अपने आप को एक सोल्जर कंसिडर करते थे जो फ्रीडम के लिए फाइट कर रहा है, और इस गेम में गन चलाना, ग्रेनेड फेंकना, ऑर्डर देना और हर चीज काफी अच्छी और इंजॉइंग थी, जिसे हम आज तक नहीं भूल पाए। जो अनफॉरगॉटेबल गेम टॉप 4 पर है, उसका नाम है टेकन। मैं यहाँ पे टेकन 7-6 की बात नहीं कर रहा क्योंकि वो तो हाल फिलहाल में ही रिलीज हुई थी। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ वो पुराने वाले टेकन की, यानी टेकन 3। याद कीजिए वो दिन जब आप टेकन 3 को PS जाकर कुछ कॉइन्स दे के खेला करते थे, वो भी अपने दोस्तों के साथ। इस गेम के थ्रू आप अपने फ्रेंड्स को हरा सकते थे, कम से कम रियल में तो नहीं लेकिन गेम में आप उसे जीत सकते थे। टेकन ने फाइटिंग गेम्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले गया। टेकन ही वो गेम था जिसमें आप अपने आप को एक फाइटर मान सकते थे, आप डिफरेंट टाइप के मूव्स परफॉर्म कर सकते थे और ग्रैपल अटैक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप किसी को भी बेझिझक खूब मार सकते थे, खासकर अपने दोस्तों को। इस गेम को अपने फ्रेंड के साथ खेलने का कुछ और ही मजा है। जो अनफॉरगॉटेबल गेम टॉप 3 पर है वो है आपका और मेरा फेवरेट शूटिंग गेम, यानी कि काउंटर स्ट्राइक। यहाँ मैं काउंटर स्ट्राइक गो की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं पुराने वाले काउंटर स्ट्राइक की बात कर रहा हूँ, जैसे काउंटर स्ट्राइक कंडीशन 0, 0.1, 0.6 या 0.7 एक्सेट्रा। यही वो गेम था जिसमें आपने पहली बार ऑनलाइन मल्टीप्लेयर का मजा लिया था। आप अपने फ्रेंड्स को भी इसमें कनेक्ट कर सकते थे और उनको ये दिखा सकते थे कि आप उनसे ज्यादा अच्छे हैं शूटिंग में। यही वो गेम था जिसमें आपको शूटिंग का ओरिजिनल मजा मिलता था, आप भी कुछ शॉट्स नहीं मर जाते थे और आप एनिमी को भी कुछ शॉट्स नहीं मार सकते थे। यहाँ पे वेपन वैरायटी, एक्सप्लोजिव वैरायटी बहुत सारे थे, तो आप अपनी मर्जी से अपने स्ट्रेटजी चूज कर सकते थे, टीम अप कर सकते थे और टेररिस्ट को मार सकते थे। इतनी वजह काफी है इस गेम को टॉप अनफॉरगॉटेबल गेम्स के टॉप 3 पे लाने के लिए। सो गाइस, जो गेम अनफॉरगॉटेबल लिस्ट के टॉप 2 नंबर पे है वो है मैक्स पेन। मैक्स पेन को इस लिस्ट में आना ही था क्योंकि यही वो गेम है जिसने थर्ड पर्सन शूटिंग गेम को एक नेक्स्ट लेवल पे ले गया। यही वो गेम है जिसमें आप जान सकते थे शूटिंग गेम का असली मजा, वो स्लो मोशन सीन्स जो आप जंप करते थे और अपने हिसाब से टारगेट की भेजे टांग या पेट में गोली मार सकते थे और उसे मरता हुआ भी स्लो मोशन में देख सकते थे। मैक्स पेन वन ऑफ द डार्केस्ट गेम में से भी एक है। इसका डार्क एनवायरनमेंट, वो अजीब सा म्यूजिक इस गेम को और भी ज्यादा क्रीपी और अच्छा बनाता है। क्रीपी तो नहीं पर हाँ मेमोरेबल। मैक्स पेन 1 2001 में रिलीज हुआ था और आज भी इस गेम का नाम आप काफी गेमर्स के मुंह से आराम से सुन लेंगे और इस गेम को नियरली हर गेमर खेल चुका है। मैक्स पेन उन गेमों में से एक था जिनमें आपको रास्ता ढूंढना काफी डिफिकल्ट पड़ता था। आपको ये भी नहीं पता चलता है कहाँ आपको जाना है क्योंकि आपको कोई मैप प्रोवाइड नहीं किया जाता था, आपको कोई इंडिकेटर बार भी नहीं प्रोवाइड किया जाता था जिससे आप रास्ता आराम से फाइंड कर ले, आपको खुद सब कुछ करना पड़ता था और यही इस गेम का असली मजा है। फाइनली गाइस, हम अब उस वक्त
पे आ चुके हैं जहां हम बात करेंगे अनफॉरगॉटेबल गेम के टॉप गेम की, वही गेम की जिसको कोई भी कभी नहीं भुला पाएगा। और ये गेम काफी लो रिक्वायरमेंट रखता था और इस गेम को 90s के किड ने काफी ज्यादा एंजॉय किया और ये गेम है रोड रैश। रोड रैश ना कि सिर्फ चीप था और कम रिक्वायरमेंट रखता था बल्कि ये फ्री था। मैं यहाँ पे रोड रिडेम्पशन या रोड रैश की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ वो पुराने वाले रोड रैश की बात कर रहा हूँ। कुछ और वजहें हैं जिसके लिए हम रोड रैश को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वो वजह ये है कि हम बाइक चलाते चलाते वो भी स्पीड में लोगों को बैश कर सकते हैं, मार सकते हैं, उनपे हथौड़े चला सकते हैं या फिर कोई लकड़ी चला सकते हैं और ये करते करते अपने आप को जीतना और बगल वाले को गिरना देखना काफी अच्छा लगता था। रोड रैश एक सिंगल प्लेयर गेम था पर इसे आप दोस्तों के स्प्लिट स्क्रीन करके ही खेल सकते थे। बट ये सिंगल प्लेयर होने के बावजूद भी कभी आपको लगा नहीं था कि सिंगल प्लेयर है, दूसरे प्लेयर्स भी आपके साथ वैसा ही बिहेव करते हैं जैसे कोई और प्लेयर कर रहा है, वो भी आपको गिराने की कोशिश करते हैं, आप अपने आप को बचाते हैं और उसे गिरा देते हैं। रोड रैश खेलते खेलते आप कभी बोर नहीं हो सकते थे। रोड रैश की मैकेनिज्म एंड कंट्रोल्स बहुत ही ज्यादा इजी थे तो कोई भी 90s वाला किड जिसे गेमिंग के बारे में नॉलेज नहीं था वो भी बहुत ही आसानी से इस गेम का फैन बन जाता था। रोड रैश में आप वाइल्ड ड्राइविंग कर सकते थे और सबसे बड़ी बात जिसके लिए हम सब इस गेम के आज तक फैन हैं कि इस गेम ने हमें पहली बार फील कराया कि हम एक बहुत ही बुरे बाइक राइडर हैं। सो गाइज यहीं पे मेरी लिस्ट खत्म होती है। मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से आप अपने पुराने यादों को ताजा कर पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगी है तो आप अपने वाइल्ड राइडिंग का यूज करके मेरे चैनल पे उस रेड वाले बटन को ऐसे ऐसे बना दें। मैं होप करता हूँ मेरी बात समझ गए होंगे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।